इस वक्त हम बिल्कुल ही मानसर झील के किनारे पर खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि मानसर झील का अद्भुत नज़ारा आप साफ देख सकते हो, यह मानसर झील का अद्भुत नज़ारा है। अगर विकास की अगर बात करें तो विकास के बड़े बड़े वायदे किए गए थे, दावे किए गए थे कि मानसर में जो है एक पर्यटन स्थल है ये उभर कर सामने आएगा, ये पर्यटन स्थल, ये झील मॉडल बनेगी एक जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें तो विकास की, विकास अगर आप देख सकते हो ये फ्लोटिंग जो लगाई गई है यही एक विकास जो दिख रहा है पिछले 2 या 3 सालों के बीच बीच में। अगर और बात करेंगे उसी दूसरी तरफ अगर देख सकते हो ये जटी जो है ये कई साल पहले जो लगाई गई थी ये खस्ता हालत हो गई थी, जिसके बाद जो प्रशासन और सरकार ने टूरिज्म मानसर सरुईसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो सरकार ने जो स्टेप उठाया था ये फ्लॉट जो लगाए गए थे उसी को चलते हुए वो अभी वो पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। सामने देख सकते हो ये झील के जो किनारे हैं साफ तौर से आप देख सकते हो किस तरह से ये टूटे हुए हैं, और अगर दूसरी तरफ हम ये किस तरह से विकास की पोल खोल रही है सामने आप देख सकते हो तस्वीरों में। त्री है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत के नारे लगा रहे हैं, पर अगर बात करें तो पर्यटन स्थल पर गंदगी का आलम छाया हुआ है। 2 साल हो यही टूटी है कि एक्चुअली तो मछलियाँ जी पाई दी ना ये भी गलत हो चुकी हैं क्योंकि बागे मछली वो खत्म हो गई। सर में आपको कितनी तब्दीली मानसर में हमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक जो प्लास्ट जो अभी कुछ फ्लोट लगे हैं कुछ उसके दाना दूना डालने के लिए मच्छियों को दाना डालने के, उसके आगे हम आते हैं तो जो हमारी पुरानी जेटी थी सारी जेटी जो है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो गंदगी है ये भी पड़ी हुई है, पार्क भी कोई अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ भी और डेवलपमेंट की तरफ। धार्मिक स्थल की बात की जाए उसके सामने देखा जाए या दूसरी तरफ देखा जाए उनके जो किनारे हैं जो पार्क के वो पूरी तरह से खस्ता हालत में है। ये जो अपना नाग देवता मंदिर है वहाँ पे जो जितनी सीढ़ियाँ हैं किनारे हैं वो सारे टूट गए हैं, एक जगह तो रोड भी पूरी टूटी हुई है, और कुछ एक लोग तो मैंने देखा जो वाटर डाल रहे थे मछलियों को तो वो फिसल के नीचे गिर गए, तो जो बने हुए हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनमें भी फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तरफ कोई कोरोना की वजह से या क्या कारण हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉपर ध्यान जो है वो विकास जो नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू सरुईसर, यहाँ पे कोई विकास हमें नहीं दिख रहा है। आप मानसर सरुईसर डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्या डिमांड करोगे इस पर? हम ये डिमांड करेंगे कि काफ़ी देर से कोरोना में लोग जो है घर बैठे हुए हैं, और आप सर्वे भी कर लो तो लोग इस वक्त बहुत डिप्रेशन में हैं, और जैसे ही ये वीकेंड वगैरह खुलते हैं तो काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त जो है टूरिस्ट एज ए घूमने आएंगे, और लोकल लोग भी जो है वो बाहर घरों से निकलना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से लोग बड़े उदास होकर घरों में बैठे हुए हैं। तो हमारा ये इनसे निवेदन है कि एटलीस्ट जो किनारे किनारे हैं पुरानी जेटीज़ हैं और जो गंद गुंद पड़ा हुआ है यहाँ पे साइडों में उसको जो है साफ़ सफाई का पूरा व्यवस्था करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है टूरिज़्म बढ़ेगा और मेंटेनेंस अच्छी होगी तो जो हमारे लोकल हैं दुकानदार हैं इनको भी थोड़े 4 पैसे जो है बाहर से जो टूरिज्म आएगा उनको एक अच्छा मैसेज एक अच्छा मैसेज आएगा कि ड्यूटी जेके ड्यूटी में जो है वास्तव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे अलग से हैं आप सामने आपके कैमरे के सामने हैं बिल्कुल, जो डेस्क हमारे पुराने थे हम चाहते हैं कि इनको भी रिपेयर किया जाए। उसके बाद रही हमारे यहाँ सफाई का मुद्दा था एक बहुत बड़ा, तो पहले हमारे पास जो अथॉरिटी थी उन्होंने टेंडर वो हर साल टेंडर लगाते थे, लेकिन अब की 2 साल से कोई टेंडर नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपये जो निकाला जाता है सफाई व्यवस्था को लेकर जी जी झील के लिए, कश्मीर झील के लिए भी आता है, जम्मू के लिए भी आता है जी जी, वो कितनी सफाई सर जो झील की अंदर की सफाई की बात है ना तो मानसर झील के अंदर की सफाई नहीं होती है ना ही हम कर पाता है, क्योंकि डल लेक है वो गहरी कम है इसलिए वो वहाँ पैसे उड़ा दिए जाते हैं सारे, मैं सीधी सिंपल सी बात कहूँगा। लेकिन हमारे हम चाहते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में जो कस्टमर यहाँ की अगर बात हाँ करें तो वहाँ पर सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं दिखनी है ही नहीं सर, अभी टेंडर नहीं हो पाया है यहाँ, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी टेंडर हो और ताकि इसका सफाई का काम शुरू हो सके, नहीं तो गंदगी इतनी फैल जाएगी कि बदबू आने के चांसेस हैं यहाँ बहुत सारे। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँ सामने अगर हम बात करेंगे बिल्कुल कि सीढ़ियाँ पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जो पार्क के जो किनारे हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं जी जी, तो उसको लेकर क्या कहूँ सर? अब मैं अभी तो जितना भी पैसा यहाँ आया है
जिसमें 200 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया, डॉक्टर साहब की बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। तो हम आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट करते हैं, अभी खाली मीटिंगें यहाँ हो रही हैं लेकिन मीटिंगों से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी तैयार करें, जो जितने भी ये डेस्क वगैरह या हमारे घाट वगैरह टूटे हुए हैं तो इनकी रिपेयर हो सकती है और जल्द। इसी जी एक टाइम था हमारे पास क्योंकि आगे बरसात आने वाली है, बरसात में पानी भर जाएगा और पानी भरने के साथ यहाँ काम नहीं हो पाएगा, फिर हम डेवलपमेंट क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक साल के लिए। तो या तो हम पानी को थोड़ा डाउन करें तब जाके बात बनती है, लेकिन डाउन भी कोई नहीं करेगा इसको क्योंकि बरसात का पानी क्या भरोसा कितनी बारिश होनी है कितनी नहीं होनी है, ये ऊपर वाले को पता है। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले ये सारे काम स्टार्ट हों, जितने भी अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है इसको हम बाहर निकाल सकें ताकि ये अच्छे ढंग से सफाई हो सके और जो द्वार का काम था हमारा वो स्टार्ट हो सके, उसके बाद सीवरेज ड्रेनिंग का जो काम है वो शुरू हो सके। अभी तो लाइटों की भी समस्या है, यहाँ रात के लिए बहुत समस्या है, लाइटें बंद है, बंद पड़ी हुई है, सिर्फ सोलर लाइट्स चल रही हैं हमारी यहाँ से। तो हमने ही वो टेंडर कैंसिल कराया था पहले, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने काम शुरू कर दिया था लाइटों का, लेकिन हमने बोला था कि ये अब फुटपाथ पे हैं, अभी हमारा सीवरेज जो ड्रेन है वो फुटपाथ के ऊपर ही आएगी क्योंकि और स्पेस हमारे पास है ही नहीं, जिसकी वजह से हमने उसको रोका था। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सकें, उसके बाद लाइटिंग का हो, प्रॉपर चैनल होने चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि पैसे को हम वेस्ट नहीं होने देंगे, यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसे को यूटिलाइज करवाएंगे। पर्यटन जो बाहर से आते हैं उनको जो एक अच्छा मैसेज आएगा सफाई की व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैसेज आता है। अभी तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके दौरान भी यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आता है। माता वैष्णो देवी के जो आते हैं वो इस मतलब कि स्थल पर जरूर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो टूरिस्ट विजिट करता ही करता है। और मैंने एक और डिमांड कर रखी है सर, हमारी जम्मू की कहीं होल्डिंग नहीं है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि लखनपुर से होल्डिंग स्टार्ट की जाए, लखनपुर से होल्डिंग स्टार्ट की जाए और थ्रू आउट पूरे जम्मू, कटरा, उधमपुर, पत्नीटॉप। अब डोडा भद्रवाह की यहाँ होल्डिंग लगाई गई है नेशनल हाईवे के ऊपर, लेकिन मानसर की होल्डिंग सिर्फ दो होल्डिंग लगी हुई है, एक चिची माता में लगी हुई है, एक मानसर मोड़ में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे मानसर की जो सुरेंद्र मानसर की होल्डिंग है वो थ्रू आउट पूरे जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए ताकि हर टूरिस्ट को ये पता चल सके कि मानसर कितने डिस्टेंस पर है और एक ईजिली टूरिस्ट यहाँ अप्रोच कर सकता है उसके जरिए। तो ये मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से ये काम भी शुरू किए जाए।